ठीक है, तो अगर हम जेलीफिश की बात करें तो आपको पता है जेलीफिश इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वी नो दैट इट इज अम्ब्रेला लाइक, इट इज हैविंग अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जेलीफिश का, ठीक है। और इसके साथ नीचे इसके माउथ के अराउंड, या माउथ को सराउंड कौन कर रहे हैं, टेंटिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स हैं एंड दीज आर दी टेंटिकल्स, वेल दिस इज दी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी बॉडी का। एंड दिस इज दी माउथ, ठीक है, ये माउथ है, यहीं से वाटर एंटर होता था। आपको याद है हमने फर्स्ट टाइम में डिस्कस की थी ये बात, यहीं से इसी माउथ से एंटर होता था वाटर इसकी गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में, और इसकी गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी से वाटर एग्जिट भी यहीं से होता था, माउथ से, ठीक है। इसे हम क्या कहते थे, माउथ कहते थे। एंड माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, और ऊपर ये क्या है हमारे पास, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी है। अच्छा, अब ये लोकोमोट कैसे करते हैं, ये वाटर में रहते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग है, ठीक, स्विम करते हैं, क्या करते हैं वाटर में, दे आर गोइंग टू स्विम इन वाटर, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा यहाँ पर स्विमिंग के लिए, इनकी स्विमिंग के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में इनके पास कुछ मस्क्यूलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को रिलैक्स करेंगे। जब ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से देखो रिलैक्स हुआ, ठीक है, तो वाटर मूव करेगा इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। जब ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रिलैक्स होगा, वाटर इज गोइंग टू मूव इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी फ्रॉम माउथ, ठीक है, ये फिल हो गया और मसल्स रिलैक्स हो गए हैं इसके यहाँ से, ठीक है। फिर ये एकदम से इन मसल्स को एक जर्क देगा, यानी कि एक जर्क की तरह एकदम से कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा मसल्स की। जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे, देखो रिलैक्स हो रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके माउथ से इसकी गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में प्रेजेंट वाटर क्या करेगा, बाहर एग्जिट करेगा प्रेशर से। जब ये वाटर प्रेशर से बाहर एग्जिट करेगा, ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी इस वाटर के एग्जिट होने वाले डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, जर्क के थ्रू मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से जब वाटर मूव किया, बाहर आया, एग्जिट किया गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी से, तो एक प्रेशर डेवलप हुआ, जिस प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी अपवर्ड मूव होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर डाउनवर्ड मूव हो रहा है तो इसकी बॉडी अपवर्ड मूव होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है। लोकोमोशन में इसे कौन हेल्प कर रहा है, इसका ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मस्क्यूलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दीज मस्क्यूलर सेल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट दिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सो दैट द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू एग्जिट विद प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर से जब ये वाटर एग्जिट करेगा तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। इस टाइप की लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्जन, ठीक है, जेट प्रोपल्जन, जर्क में मूव करती है इसकी बॉडी। देखो देखो, रिलैक्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए प्रेशर से वाटर बाहर और बॉडी ऊपर, रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए बॉडी ऊपर, रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए बॉडी ऊपर, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्लियर है, इसमें हमने तीन बातें डिस्कस की हैं, ठीक है। एक तो हमने इसकी बॉडी की शेप देख ली, अम्ब्रेला लाइक है, माउथ के सराउंडिंग में टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, फ्रॉम माउथ वाटर इज गोइंग टू एंटर व्हेन दी मस्कुलर सेल्स ऑफ द अम्ब्रेला आर गोइंग टू रिलैक्स, ठीक है। फिर वाटर, यही मस्कुलर सेल्स क्या कर रहे होंगे, इसकी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, इससे वाटर प्रेशर से माउथ से एग्जिट करेगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्क से इसकी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। एक दफा एनिमेशन देख लो दोबारा, ये रिलैक्स हुए और ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और बॉडी ऊपर, ठीक है। और इस टाइप की लोकोमोशन को हमने क्या कहा है, जेट प्रोपल्शन।